सर, मेरा नाम अरूप मुश्ताक है। मैं हेल्थ एंड मेडिकल एजुकेशन की नर्सिंग ग्रेड से एस्पिरेंट हूँ। हमारी एडवर्टीजमेंट लास्ट ईयर मार्च में आई थी, उसके बाद हमारा स्मूथली एग्ज़ाम भी हुआ था। एग्ज़ाम के बाद हमारा जो सिलेक्शन लिस्ट है, मेरिट लिस्ट जो है वो भी रिलीज़ हुआ था। उसके बाद हमने डॉक्यूमेंट फिजिकल डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन जो है वो भी अटेंड की थी अच्छे से। आफ्टर दैट सडनली ये सारी रिक्रूटमेंट हाल्ट पे आ गई। पता चला कि इसमें जो एकेडमिक अरेंजमेंट बेसिस पे GMCs में काम कर रहे थे, उन्होंने इस पर स्टे लाया हुआ था सर। लेकिन उसके बाद कोर्ट प्रोसीडिंग्स बराबर 1.5 साल चली एंड फाइनली अब कैट ने इनको JKSSB को लिबर्टी दी है कि सारे स्टेज एज सच रिवोक हो चुके हैं, तो आप एट लिबर्टी हैं कि आप इनका जो लिस्ट है वो रिलीज करें। सर, आपके मीडियम के थ्रू हम यही कन्वे करना चाहते हैं कि ऑलरेडी हमारा 1.5 साल वेस्ट हो चुका है, तो आप काइंडली एंड काइंडली, इफ यू हैव प्रॉमिस्ड अस दैट यू विल डू द फास्ट ट्रैक रिक्रूटमेंट, हम आप लोगों ने कहा है कि सिलेक्शन लिस्ट रेडी है, तो हम आपके मीडियम के थ्रू ये कन्वे करना चाहते हैं टू द चेयरमैन JKSSB एंड LG गवर्नर साहब जो है, उनको हम ये कन्वे करना चाहते हैं कि काइंडली हमें आप फर्दर सफर ना करवाएं, हमारी लिस्ट जितना जल्दी हो सकती है उतनी जल्दी रिलीज हो जाए, सो दैट हम लोग ज्वाइन कर सके और फर्दर इसमें कोई हाल्ट ना आ सके। सर, हम लोगों ने SSB को अप्रोच किया। देर इज नो सच थिंग कि डिपार्टमेंट्स हैव नॉट शोन देयर सपोर्ट टू अस, दे हैव शोन देयर सपोर्ट टू अस, दैट इज वाई ये जो प्रोसेस है विद इन 1.5 साल ही ये कम्प्लीट हुआ। ऐसा कुछ नहीं है कि हमें अथॉरिटीज ने सपोर्ट नहीं किया सर, बस हम ये उनको मैसेज कन्वे करना चाहते हैं कि इससे पहले कि इसमें कोई इंटरवेंशन वो दोबारा से लगवाएं, दोबारा हॉल्ट करें, हम नहीं चाहते कि हम फर्दर उस सब की वजह से सफर हो जाए। उनके आपके थ्रू हम उनको कन्वे करना चाहते हैं, प्लीज़ एंड प्लीज़ काइंडली हमारा लिस्ट अगर रेडी है तो काइंडली रिलीज करें। सर, हम लोग 1444 एस्पिरेंट्स हैं सर। चूंकि ये इनकी रेगुलर रिक्रूटमेंट आई थी ऑलमोस्ट 12 साल के बाद, तो आपको नॉलेज होगा कि एकेडमिक अरेंजमेंट में काम करना वो आपके प्रोफेशन को कम्प्लीटली रून कर देता है। ये आपकी मेंटल स्टेबिलिटी और दोनों जो आपकी प्रोफेशनल स्टेबिलिटी है उसको हिला के रख देता है। अगर ये मैटर आज गवर्नमेंट एज सून एज पॉसिबल जो है अगर इसको समॉन करती है, तो इससे ये एक बेंचमार्क सेट हो जाएगा जो बाकी के एस्पिरेंट्स हमारे बाद हु आर एस्पायरिंग टू अपेयर इन सच एग्जाम्स, इट विल बी वेरी 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 इंस्पायरिंग फॉर देम।